So good morning all of you. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा. ठीक है, हम लोग कल कहां तक किए थे? कल हम लोग कर रहे थे सिंपल इंक्रीज एनविटी, राइट? ठीक है, तो अभी जैसे आज का हमारा क्या रहेगा, सिंपल इंक्रीज में हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस एनविटीज. ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट पेमेंट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, इसका जो नोटेशन आता है वो होता है आई ए के ऊपर में बार है, खाली ए के ऊपर में बार है. इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा स्टेप्ड ग्राफ बनता है. पहला साल कंटिन्यूअस एक रुपया, फिर दूसरा साल कंटिन्यूअस दो रुपया, फिर तीसरा साल कंटिन्यूअस तीन रुपया, फिर चौथा साल कंटिन्यूअस चार रुपया, एंड सो ऑन. ऐसा स्टेप्ड ग्राफ बनता है. इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, ध्यान देना. अब एक चीज समझो, यहां पर टाइमलाइन अगर मैं बनाऊंगा, एकदम ध्यान दे, कोई बात नहीं करेगा. जीरो से वन के बीच में होगा एक रुपया, फिर वन से टू के बीच में होगा दो रुपया, फिर टू से थ्री के बीच में होगा तीन रुपया, एन माइनस वन से एन के बीच में होगा एन रुपया. ठीक है, कॉपी कर लीजिए पहले इसको. इंक्रीज हो रहा है डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस. जब एक अमाउंट से इंक्रीज होगा तो सिंपल इंक्रीज, जब एक रेट से इंक्रीज होगा तो कंपाउंड इंक्रीज. ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसको पहले फटाफट. आई के ऊपर में बार नहीं है, खाली ए के ऊपर में बार है, खाली ए के ऊपर में बार है. आज के क्लास का ड्यूरेशन एक से डेढ़ घंटा, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ये वाला एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक इक्वेशंस ऑफ वैल्यू. इसके बाद में सारा सम्स वाला क्लास आप लोग को बैकअप से करना है, सर्टेन कैश फ्लोज वाला बैकअप से करना है, और एक्सेल वाला बैकअप से करना है. ठीक है, 13 से 18 के बीच में क्लासेस लूंगा, डाउट्स लूंगा सर्टेन कैश फ्लोज के. ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होगा करा दूंगा जितना होगा. हाँ, मतलब अरे 14 बोलना चाहता था. ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे ना, देख लेंगे. ठीक है, चलो अब देखो इसमें पहला साल में क्या हो रहा है, एक रुपए का कंटिन्यूअस पेमेंट हो रहा है एक साल, फिर दूसरे साल में क्या हो रहा है, दो रुपए का कंटिन्यूअस पेमेंट हो रहा है एक साल. जब दो रुपए का कंटिन्यूअस पेमेंट हो रहा है एक साल, तो वैल्यू कहां पर आ रहा है, टाइम वन पे, फिर उसको वन से कहां पर लेके जाना पड़ेगा, जीरो पे. तो एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा वी. फिर तीसरा साल में क्या हो रहा है, तीन रुपए का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस एक साल, फिर दो साल पुल बैक करेंगे वी स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आ रहा है, एन ईयर्स का पेमेंट होगा एक साल कंटिन्यूअस, और फिर उसको एन माइनस वन ईयर्स पुल बैक करेंगे. इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, ए बार वन, अंदर में क्या बच रहा है, देखो वन प्लस टू वी प्लस थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन वी टू द पावर एन माइनस वन. दिस इज सिंपल इंक्रीज पेड इन एडवांस, सिंपल इंक्रीज पेड इन एडवांस कल हम लोग किए थे. सिंपल इंक्रीज पेड इन एडवांस, वन का पेमेंट हो रहा है जीरो पे, टू का पेमेंट हो रहा है वन पे, थ्री का पेमेंट हो रहा है टू पे. फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, वन माइनस वन प्लस आई टू द पावर माइनस वन बाय डेल्टा, यही होगा ना. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग किए थे ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस आई माइनस वन बाय वन प्लस आई होल डिवाइडेड बाय डेल्टा. ठीक है, इनटू ये पूरा चीज ए डी एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा, सॉरी बाय डी. ठीक है, अब ध्यान देना, ये वाला जो पूरा पार्ट है और ये वाला पार्ट कट जाएगा. कॉपी कर लो इसको पूरा को. इसका नोटेशन होता है आई ए के ऊपर में बार और एन, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आया ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा.
ठीक है, सबको मेरा वॉइस आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार, हम लोग आ रहे हैं कंटिन्यूअस एनविटीज के टॉपिक में। अभी पहला केस कर रहे हैं इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस, माने पहला साल एक रुपए का पेमेंट होगा कंटिन्यूअस, फिर दो रुपए का पेमेंट होगा कंटिन्यूअस, फिर तीन रुपया, फिर चार रुपया। तो पहला पूरा साल में एक रुपया, फिर दूसरा पूरा साल में दो रुपया, फिर तीन रुपया, ऐसे करके। तो इसका फॉर्मूला जो बनाया वो कैसे बनाया, पहला साल एक रुपए का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए एक साल का लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली। फिर दूसरे साल में एक रुपए का, फिर दूसरे साल में दो रुपए का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस एक साल के लिए, बट इसका जो वैल्यू आएगा वो टाइम वन पे आएगा, इसलिए एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरे साल में क्या हो रहा है, तीन रुपए का पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस एक साल, इसलिए थ्री ए बार वन, बट वैल्यू जो आएगा टाइम टू पे आएगा, मतलब ईयर थ्री का बिगनिंग पे आएगा, वहां से दो साल पुल बैक करेंगे, इसलिए वी स्क्वायर। एंड इस तरीके से फॉर्मुला बनाया, ए बार वन को बाहर ले लिया, और ये जो अंदर वाला जो पार्ट है दिस इज सिंपल इंक्रीज पेड इन एडवांस, इसको काटाकुटी करके हम लोग का आंसर आया वो ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस नो, फटाफट से बताइए। ठीक है, आइए अब इसके बाद आइए, अब लिखना इंक्रीज एंड पेमेंट बोथ आर कंटिन्यूअस। तो अगर दोनों कंटिन्यूअस हो जाएगा तो आई ए होल बार एन आएगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में आएगा आई ए होल बार एन, ये फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ हम लोग बना सकते हैं वो ऐसा बनाएंगे। ठीक है, माने इंक्रीज कंटिन्यूअस हो रहा है तो इसको हम लोग को उससे करना पड़ेगा, टाइम टी पे टी का पेमेंट होगा एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको जीरो पर ला रहे हैं, डेल्टा डी एस होल इंटू डी टी, कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है, जीरो से एन। ठीक है, तो क्या करेंगे ध्यान देना, इंटीग्रेशन जीरो से एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाएंगे, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी होल इंटू डी टी, और ये पूरा चीज फिर आएगा तुम्हारा जीरो से एन पे, यही होता है ना फॉर्मूला। क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। कॉपी करो पहले फटाफट, डी डी टी ऑफ टी तो वन हो जाएगा, ई टू दी पार माइनस डेल्टा टी का क्या होगा, ई टू दी पार माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा, दो बार इंटीग्रेट हो रहा है, चीज समझो, ई टू दी पार माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा इंटू वन बाय माइनस डेल्टा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ई टू दी पार माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा स्क्वायर। कॉपी करो, आगे सॉल्व करने का ट्राई करो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, बच्चे नहीं रह गए हो, सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। अब बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए, सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। कॉलेज की छुट्टी हो गया ना? वहाँ कौन सा कॉलेज है, भवानीपुर? टाइम कल अंकित सर एक क्लास लेंगे दिल्ली से लाइव सीएम वन का बच्चा लोग के लिए, उस क्लास का टाइम है 12 से 3। ठीक है, वो सब लोग को अटेंड करना है, वो कंपलसरी है। ठीक है, वो कलकत्ता में होगा नहीं होगा हमको पता नहीं है, तो कल संडे, ऐसे संडे का दिन चुना है 12 से 3, उसमें से प्रैक्टिकल दिखाएंगे लोन स्केड्यूल प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसा होता है। ठीक है, कल, और मंडे को 7 तारीख को शाम को क्लास लेंगे 6 से 8। ठीक है, मंडे को शाम को क्लास लेंगे 6 से 8, ये दोनों क्लास सबको कंपलसरीली करना है। ठीक है, वो दिल्ली से सर लाइव पढ़ाएंगे तो तुम लोग सबको लाइव ऑनलाइन में करना है। मैंने बेसिकली ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मैं जहां खत्म करा रहा हूं सर वहीं से चालू करा रहे हैं। यहां तक हो गया क्या? अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं बचा है, क्या होगा,
टी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा स्क्वायर। ये पूरा चीज जीरो से एन, आप जीरो डालोगे तो यहां भी जीरो, बट यहां जीरो नहीं होगा, पहले एन डालते हैं। तो एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा स्क्वायर, फिर माइनस में आएगा जीरो डालेंगे तो जीरो, ये प्लस हो जाएगा। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन बाय डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये एन वी टू द पावर एन होगा बाय माइनस डेल्टा। यहाँ एक काम करो, माइनस वन बाय डेल्टा कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस वन बाय डेल्टा कॉमन ले लो, तो अंदर में आएगा या फिर प्लस वन बाय डेल्टा कॉमन ले लो तो अंदर में आएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा n, माइनस में आएगा ये, और ये आएगा बाय डेल्टा, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर कॉमन हो सकता है, और उसी बात का तुम पैसा दिए कि क्यों डेल्टा स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, कुछ तो इज्जत दो जीवन में मेरे को, ठीक है। और ये वाला आएगा प्लस लिया है ना कॉमन, तो ये आएगा प्लस वन बाय डेल्टा, ठीक है। तो ये आएगा एन वी टू द पावर एन बाय माइनस डेल्टा प्लस वन बाय डेल्टा वन माइनस वी टू द पावर एन बाय डेल्टा। तो वन माइनस वी टू द पावर एन बाय डेल्टा इज ए बार एन, ठीक है। अब इसका ऊपर में देख लेना, सो ए बार एन बाय डेल्टा माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा, सो दिस इज ए बार एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा एंड दिस इज आई ए होल बार एन। ठीक है ना, सिंपल इंटीग्रेशन यार, कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा मन सोचने का क्षमता को थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा हिम्मत करके सबको बनाइए। इसी को 10 बार घर में जाके बनाएंगे तब वो दिमाग में बैठ जाएगा। करना तुमको है, मैं खाली हेल्प कर सकता हूं, करना सब चीज तुमको ही है जीवन में, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। ठीक है, एक समरी देख लो। सबसे पहले हम लोग किए आई ए एन विच इज ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय आई, फिर हम लोग किए आई ए डी यू एन विच इज ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी, फिर हम लोग किए आई ए बार एन विच इज ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा, फिर उसके बाद में हम लोग किए आई ए होल बार एन विच इज ए बार एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा। आई ए में पीएथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएथ, नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएथ। वाई नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएथ? क्योंकि इसमें जिस टाइम पीरियड में काम करेंगे उसी टाइम पीरियड में काम, जिस टाइम पीरियड में पेमेंट होगा उसी टाइम पीरियड में अपने को इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, और इसमें अक्यूमुलेटेड वैल्यू का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको प्रेजेंट में निकाल के अक्यूमुलेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। सब लोग टेबल बुक निकालो, टेबल बुक में देखो पेज नंबर 48 ना 49 से चालू हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स। सब लोग टेबल बुक निकालो, एक बार दिखा दे रहे हैं, अपना बेसिक्स खत्म हो चुका है आज। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ जो लोग भी आज तक हैं क्लास में, ठीक है। 7 दिन लगातार आपने क्लास किया, बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। सोचो अगर 70 दिन करेंगे तो क्या होगा लेवल, और अगर 700 दिन करेंगे तो क्या होता है। 700 दिन इज 2 ईयर्स,
और अगर आने वाला 7 साल करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, मैं इतना सक्सेस हुआ, बाकी लोग नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। मेरा सब एग्जाम में नॉर्मल नंबर ही आया, 60-70 ऐसा। कोई कोचिंग सेंटर वाला पढ़ाता बंद करता, पढ़ाता बंद करता, लेकिन मैं भैया मेरे को हमेशा एक ही गाइड किए कि तुम रेगुलर क्लास लेता जाओ और कुछ मत कर, कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया लाइफ में। तो वही बात है ना, तुम देख लो पहला दिन 100 जन था, आज ऑफलाइन में बैठा 10, ऑनलाइन में बैठा 15-25, तो प्रोबेबिलिटी तो सब 75% यही कम हो गया ना। कोई भी रीजन था, एक्सप्रेशन मतलब नहीं है भाई, कोई भी रीजन था, बर्थडे है, कुछ भी है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है अब। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन। इट्स मैं क्या करके दूंगा भाई, मैं कैसे करके दूंगा तुम लोग के लिए। तुम लोग आएगा, तुम लोग का करियर बनेगा, पैसा तुम लोग सब दे चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, तुम लोग अभी नहीं समझेगा भाई, अभी नहीं समझेगा तुम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स, ठीक है, देखो पेज नंबर 50 से चालू हो रहा है। कुछ नहीं है, देखो सारा चीज जो किए सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले एक साइड बॉक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स में, सबसे पहले एक साइड बॉक्स है। ऐसा कोई नीला है, ले लो ये ले लो, चाहिए क्या किसी को, है सबके पास, तुम लोग दोनों के पास एक है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स में सबसे पहले देखो साइड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आई आई टू ये सब दिया हुआ है ना, ये सब अपने कर ही चुके हैं। फिर अपने को दिया हुआ डिस्काउंटिंग फैक्टर, अक्यूमुलेशन फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू और आई, ये सारा फॉर्मुलास दे दिया। तुम टेबल बुक यूज कर सकता है, बट टेबल बुक से हर चीज का आंसर तुमको नहीं मिलेगा। आधा परसेंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, घुमाते चलो पन्ना, आधा, एक, डेढ़, दो, ढाई, फिर 3 से लेके 10, 12, 15, 20, 25 ये दिया हुआ है। अगर 8.5 आ गया तो 8 और 9 के बीच में इंटरपोलेट नहीं कर सकता है, इंटरपोलेट नहीं कर सकता, 8.5 आ गया तो कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो स्टैंडर्ड रेट दिया है, तो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है तो तुम लोग टेबल बुक अब यूज कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। आइए इस पर सम बना लेते हैं दोनों। अब जैसे मान लो बोला पहला साल पेमेंट होगा 100, 200, 300, ठीक है, कंटिन्यूअस बोला है, पेमेंट कंटिन्यूअस बोल रहा है। ठीक है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आई दे दिया अपने को 8% का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो क्या हो रहा है, सिंपल इंक्रीज का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, कितना का सिंपल इंक्रीज है, 100 का इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस, तो 100 क्या लगेगा बताओ, आई ए बार 3 एट द रेट 8% सॉल्व कर लीजिए, तो 100 क्या बनेगा बताओ, ए डू 3 माइनस 3 वी टू द पावर 3 बाय डेल्टा, सॉल्व करिए इसको, 8% पे एडीयू 3 निकालिए तो 1 माइनस 1.08, ये सब कैलकुलेशन है तो मैकेनिकल होना चाहिए, 0.08 बाय 1.08, जितना सॉल्व करेगा उतना तकदीर आगे बनेगा, जितना सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को, 0.08 बाय 1.08, एकदम सोचने का टाइम नहीं चाहिए भाई, सिंपल सिंपल है। अब आई दिया हुआ डेल्टा निकालना है, तो क्या करेंगे, ln 1.08 इज व्हाट डेल्टा, सॉल्व कर बताओ आंसर आ जाएगा। कुछ रिपीट करने का था ही नहीं, पहला साल 100 का पेमेंट हो रहा है, दूसरा साल 200 का, फिर 300 का, तो सिंपल इंक्रीज हो रहा है ना, फर्स्ट पेमेंट जितना का हो रहा है उतना से इंक्रीज हो रहा है। तो पहला साल क्या है, 100 × 1, 100 × 2, 100 × 3, तो कितने का आई है, 100 का है, कंटिन्यूअस पेमेंट्स हो रहा है और आई दिया हुआ 8%, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस, तो आई ए बार लगेगा, इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा रिवीजन नोट्स में। ठीक है, बोलेगा जब टाइम टी पे टी का पेमेंट हो रहा है, या फिर बोलेगा टाइम टी पे 20 टी का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको,
कितना आ रहा आंसर? 522 इज द करेक्ट आंसर, 522 पॉइंट जो भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा बात सुनो, अब इसको करेंगे कैसे ध्यान देना, मैं तुमको कुछ पेमेंट के स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, सम सारा एक ही टाइप का आता है, सिंपल इंक्रीज में, कंपाउंड इंक्रीज में भी एक ही टाइप का आता है, ठीक है। तो सिंपल इंक्रीज को तोड़ेंगे कैसे ये बात ध्यान देना, बोर्ड पे देखो, आज बुलाया है किसी के लिए, ठीक है, यही टाइमलाइन है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, डॉट डॉट अप टू टेन है, ठीक है। पेमेंट दिया हुआ ध्यान देना 500, 600, 700 और लास्ट वाला पेमेंट मेरे को पता नहीं कितना है। तुमको देख के तो मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि 100 रुपए का सिंपल इंक्रीज है, बट करेगा कैसे ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला पेमेंट तो 500 का है और हर इंक्रीज 500 का तो है नहीं, तो इस टाइप का पेमेंट को ना तुमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेगा तुम कैसे, जितना से बढ़ रहा है उतना से घटा के लिखेगा, एक टाइमलाइन देखो, ठीक है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, डॉट डॉट डॉट, ये नाइन है और ये टेन है, ठीक है। इसी पेमेंट को तुमको रिस्ट्रक्चर करके लिखना पड़ेगा बिटवीन लेवल एंड सिंपल इंक्रीज, बिटवीन लेवल एंड सिंपल इंक्रीज। कितने का सिंपल इंक्रीज है, सो जोर से बोलो, कितने का सिंपल इंक्रीज है, 100 का। तो तुमको क्या करना है, जितना से बढ़ रहा उतना से घटा के लिखेगा, घटा के लिखेगा मतलब तुम लिखेगा 400 प्लस 100 इंटू 1, 500 हुआ ना, लिखने का तरीका है, ठीक है। दूसरा को क्या लिखेगा, 400 प्लस 100 इंटू 2, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 400 प्लस 100 इंटू 10, तो लास्ट वाला पेमेंट अमाउंट भी पता चल गया, 1400, ठीक है। कितने का लेवल मैं पूछ रहा हूं, कितने का लेवल, 400 का लेवल और कितने का सिंपल इंक्रीज, 100 का सिंपल इंक्रीज हो गया ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 400 A10 प्लस 100, जल्दी बोलो, IA10, हो गया सम खत्म, ठीक है, कॉपी करो उसको। क्या है बच्चा है यार, सॉल्व करो उसको, इंटरेस्ट रेट दिया है 10% का, अब गधा की तरह करने मत लग जाना, टेबल बुक में जाओ और देख के आंसर निकालो फटाफट, 10% का टेबल बुक में जाके देख के आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। यहां बढ़ रहा था तो घटा के लिखे, और जब घटेगा तो बढ़ा के लिखेंगे। बेसिकली अपने को तोड़ना है लेवल और सिंपल इंक्रीज में, अपने को तोड़ना है लेवल और सिंपल इंक्रीज में, पूरा सीएमएन में देखना यही चलेगा, बढ़ रहा है घट रहा है यही सब हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू अक्यूमुलेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अक्यूमुलेट वैल्यू, यही निकालने बोलेगा और कुछ नहीं निकालने बोलेगा। दिमाग में जितना सेट कर लेगा ना चीज को उतना बढ़िया रहेगा, टनाटोनी सेट ही तो करना, और क्या करना है। फाइव थ्री, ठीक है, दस परसेंट का टेबल में जाओ, ये रहा 9, ये रहा 10, A10 का वैल्यू देखो, A10 ये रहा, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ है, फटाफट करो, 400 × 6.1446 प्लस 100 × ये आईए का है 29.0359, एक और देखो इसी में, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये डॉट डॉट, ये 15 है, यहां हो रहा है 200, ठीक है, 200, 190, 180, 170, 160, यहां कितना आएगा पता नहीं, ठीक है। अगर यहां पर भी लास्ट पेमेंट हो रहा है तो टोटल पेमेंट कितना हो रहा है इसमें, 14, 15, 16 कितना पेमेंट हो रहा है भाई, 16 ना, 1 से 15, 15 और 1 16 पेमेंट हो रहा है, बोलेगा ना मुझसे 16 पेमेंट हो रहा है, ठीक है। घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है तो बढ़ा के लिखेंगे, दोबारा सेम टाइमलाइन को बना लो, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 15, तो पहला वाला में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 210 − 10 × 1, 210 − 10 × 2, 210 − 10 × 3, तो यहां क्या आएगा जल्दी बताओ, 210 − 10 × 16 कितना आ रहा बताओ, 50, समझ गया ना। अब कितने का लेवल, कितने का सिंपल इंक्रीज, कितने का लेवल, कितने का सिंपल इंक्रीज, 210 का लेवल और 10 का सिंपल इंक्रीज, 10 का सिंपल इंक्रीज, माइनस बीच में है, मोटा मोटा बात समझ भाई,
210 AD 16, जो नहीं समझा वो छोड़ दो, 210 AD 16 एडवांस में है ना 16 साल, ठीक है, माइनस माइनस 10 का IA due 16, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 4% का, सॉल्व करो फटाफट, अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज तुम लोग इसीलिए हो जाएगा कि ए दिया हुआ है, एडी तो नहीं दिया हुआ है, पहले कॉपी करो यहां तक, ADUN इज AN into I by D करके देख लो, AN का डिनोमिनेटर में आता है I, I और I कट जाएगा तो D बचेगा, ये करने का तरीका है, इसलिए देखो साइड बॉक्स में I by D, I by डेल्टा सब दिया हुआ है, साइड बॉक्स में देखो दिया हुआ है I by डेल्टा दिया हुआ है, I by D नहीं दिया हुआ, ठीक है कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो इसको, यहां तक सबको ऑनलाइन में समझ में आ रहा है, आज हमारे संग टेस्ट देने आए हैं ऑनलाइन में केशव महेश्वरी, नितिज्ञा अग्रवाल, देवानी, आर्ची, श्रीयुक्ता, नील, आरती, ओश, राघव, अनीश, प्रेरणा, गौरव, पाल, अवनी, गर्व एंड जानवी, ये हम लोग के संग ऑनलाइन में आए हैं, ऑफलाइन में हमारे पास एक दिन 6, 6, 3, 9, 2, 11, ठीक है, वेरी गुड, और 16 और 11, 27 स्टूडेंट्स आज हमारे संग टेस्ट में जुड़ेंगे, मॉक टेस्ट 1 CM1 कोलकाता बैच, दिल्ली बैच में ऑलरेडी एक जन को प्राइस मिल चुका है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 210 A16 होगा ना, A16 इंटू आई बाई डी माइनस 10 IA16 इंटू आई बाय डी, कितना आ रहा है आंसर बताइए फटाफट से, 1615.10, ये सामने वाला एसी बंद करते तो लाल बटन से, 1615 इज द करेक्ट आंसर, ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया, डेफर्ड एन्युइटीज, कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युइटीज एंड सिंपल इंक्रीज एन्युइटीज, सबको समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट का पूरा मैट पढ़ के बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और बुकलेट 2 आप तुम लोग पूरा बना सकते हो, जो बुकलेट 2 है ना उसमें यहीं तक का है, ठीक है, पहला बुकलेट तो थ्योरी हो छोड़ देना, बुकलेट 2 पूरा बना लेना घर पे जाके, ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू फॉर दिस क्लास, अभी एक मिनट में रिकॉर्डिंग वापस चालू होगा।